जय उत्तर वैश्व मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है खबर निन्यानवे ब्लॉक से। निन्यानवे ब्लॉक दुसान क्षेत्र का वह क्षेत्र जो प्लान और बंजर खेती है और सरुदारी में सबसे पिछड़ा हुआ है। यहां पर शिक्षा स्वास्थ्य की वजह से लगातार प्लान हो रहा है। दूसरा कारण है कि रामनगर कश्यपुर और कुरुद्वार नजदीक होने की वजह से लोग लगातार यहाँ से प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा का हाल आपको पहले भी बता चुके हैं। स्वास्थ्य का आज जायजा यहाँ पे हमने लिया हमारे सहयोगी कुलदीप रावत जी ने। यहाँ सबसे बड़ी चीज है हॉस्पिटल नाम का तो है परंतु यहाँ पर कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी है तो इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर यहाँ रहना नहीं चाहते। गरीब आदमी काश्तकार या किसानी जो भी वहाँ पे काम करता है या अपनी दुकान चलाता है किसी तरह से पैसे जमा पूंजी करके वह जब यहाँ से इलाज ठीक से नहीं हो पाता है ना यहाँ डॉक्टर है तो वो अपनी बीमारी या अपना समय जब काफी हो जाता है उसको ज्यादा बीमारी पड़ती है तो मजबूरी में वो काशीपुर रामनगर जाता है। वहां उसे लूटा जाता है। लूटने के बाद फिर उसे कहा जाता है कि अब आप ऑल इंडिया मेडिकल जिए या दिल्ली जिए कहीं और जिए। फिर वह प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ दिल्ली की तरफ भागता है और अच्छी गाड़ी कमाई अपनी लुटा जाता है। कई बार यहाँ बहुत सी इमरजेंसियाँ होती है जो रस्ते में ही अपना दम तोड़ देती है। अब ऐसी निर्णय विकास क्षेत्र की दशा और दिशा है, इस पर आज जायजा लिया हमारे कुलदीप रावत जी ने। देखिए हमारे सहयोगी कुलदीप रावत की यह रिपोर्ट निंडा विकास खंड दुमाकोट से। यहाँ पे दुमाकोट की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा? कुछ नहीं है, जीरो 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 धरातल पे जीरो। कभी बीमार वगैरह होते हो कहाँ जाते हो? रामनगर रिफर, रामनगर काशीपुर, सीधा रामनगर काशीपुर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन और आज हमें यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुमाकोट में जहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या हॉस्पिटल के हालचाल हैं, कैसे यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से यहाँ पे सुचारू हैं, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते बूढ़ी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम जापागो? नंदा देवी। नंदा देवी, अच्छा। हाँ। क्या बीमार है? रात पर कुछ बीमारी? हाँ बस वही है, मेरी तबीयत तो ढीली ढाली रहती है। अच्छा, मैं तो अच्छा। हमेशा दवाई खाती रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे बेटा एयरफोर्स में है बेंगलोर। अच्छा अच्छा, वहाँ से भी खाती हूँ दवाई। अभी 8-9 महीने से गाँव में हूँ। हाँ हाँ, तो फिर यहाँ गए आज। तो कितने बार आप आ चुके हैं अभी तक? क्या मैं पहली बार आई? पहली बार आए हो। अच्छा, तो आपको शायद फिर थोड़ा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कमी पता होगा यहाँ। कमी पता है, कमी पता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। हमारे साथ एक और यहाँ पे जो रोजगार कर रहे हैं, अपना दुकान से काम चला रहे हैं, उनसे भी जानते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। क्या है दुमाकोट नैनाना ब्लॉक में स्वास्थ्य सुविधाएं? स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे बड़ी परेशानी इसी कारण प्लान का मेन वो है कि यहाँ पे ना तो शिक्षा अच्छी है, ना स्वास्थ्य यहाँ पे, ना डॉक्टर मिलता है। तो ये फर्स्ट एड तक भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता। सीधे यहाँ से रामनगर काशीपुर के लिए गाड़ी बुक करनी पड़ती है और मतलब यहाँ के बहुत दुर्दशा, इसी कारण बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है ये। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है, यहाँ पे रोजगार भी अच्छा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की वजह से ही मेरे ख्याल से ये मेन मुद्दे दिक्कत आती है। आप लोगों ने कभी सरकार से, क्योंकि काफ़ी सरकारें आई गई, आप लोगों ने कभी मिलके सरकार से इस चीज़ के खिलाफ मुद्दा उठाया? मुद्दा तो कई बार उठा लिया, कई बार तालाबंदी हो गया अस्पतालों में, लेकिन तब भी मेरे ख्याल से वैसे ही है, यहाँ सरकार आती जाती वही रहेगी। भाजपा कांग्रेस मतलब दोनों एक ही मेरे ख्याल से की हिसाब है, दोनों का कोई वो नहीं है इनमें। सब ये हिसाब के मतलब सरकार को वजह से नहीं, यहाँ के प्रतिनिधि लोग भी मेरे ख्याल से जागरूक नहीं है। किसी को यहाँ रहने, उनके बच्चे देखो आप कहाँ हैं, यहाँ कोई नहीं है, सब बाहर ही होंगे। यहाँ पे मतलब कोई ध्यान नहीं देता, नहीं तो अगर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पे। चलिए आ जाओ। चलिए, इन्हें तो थोड़ा स्वास्थ्य सेवाएं कम है, पहली बार आए हुए हैं यहाँ पे। आइए दूसरे लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और बुजुर्ग आदमी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आपको क्या बीमारी अभी आज है, किस टाइप का इलाज करने के लिए आए हैं? मैं यहाँ पे हॉस्पिटल से काफ़ी दिन से दवाई तो लेता रहता हूँ, लेकिन दर्द नहीं मारा खाता हूँ। गोड़ घुटनों का दर्द और पाँव में जोड़ों का मतलब के दर्द इतना अकड़न हो जाता है कि रात भर बैठा रहता हूँ। परिवार वाले भी दुखी होते, कहते बाहर जाओ, लेकिन बाहर कहाँ जाऊँ, गरीब परिवार से हूँ, कैसे बाहर जाने के लिए? खर्चा की व्यवस्था नहीं होती, खर्चा थोड़ी होता तो फिर साथ साथ में आने जाने की सुविधा नहीं हो पाती। हमें अनट्रेन आदमी, अनपढ़ आदमी, हमें
इसी धुमाकोट में कृपा ऐसी होती कि जो हमें थोड़ा सा ऐसी थोड़ी बहुत सुखदाई वाली दवाई मिल जाए, सुखदाई वाला जानकार कोई डॉक्टर मिल जाए, तो ताकि हमारा जीवन थोड़ा सा प्यार से, जो समय मैंने भगवान ने दिया था वो प्यार से निभ जाए। लेकिन दवाई लेता रहता हूँ, जो उनके दर से इतना दुखी हूँ कि काफ़ी लोगों से कहा भी है, लेकिन कैसे कहूँ गरीब परिवार से कि मैं एकदम जोर से नहीं कह सकता कि मेरी की हेल्प कर दीजिए, क्योंकि परिवार भी बेरोजगार, बच्चे भी बेरोजगार हैं, तीनों बेटे एक विकलांग बुद्धिहीन है, दूसरा भी अनपढ़, हाई स्कूल पढ़ चुका और आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए परिवार से भी बड़ा लाचार हूँ और दुख से भी बहुत लाचार हूँ कि अगर कृपा हो जाती धुमाकोट में, हमारे यहाँ नैनाड़ा क्षेत्र में ऐसा हो जाती कि जैसे हमारा हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में हमारे कोई छोटे मोटे दर्दों के मतलब कि साधना ऐसे होती बीमारी की जड़ पकड़ी जाए, बीमारी का मतलब पता लग जाए, लेकिन अब जब भी आते हैं धुमाकोट में नैनाड़ा जाते हैं तो कहते हैं एक्सरे भी नहीं है, कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं, दवाई ले लो दर्द की, तो लोग दर्द निवारक खाते हैं तो चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि शरीर में खान पीन भी इतना नहीं है और घर से परिवार से चीज़ कोई उपलब्ध नहीं है, तो बहुत लाचार और बहुत दुखी हैं इस इलाके में रह करके। जीवन तो अब तक तो अपना खान पीन जो भी था अपने हाथों से करवाया तो चल रहा था। सरकारी सुविधाओं से क्या आप खुश हैं यहाँ पे जिस तरह से हॉस्पिटल? सरकारी सुविधाओं से तो खुश हैं, लेकिन खुश होकर के आते हैं तो कभी कभी ऐसे निराश होकर चले जाते हैं कि कभी होता है कि आते हैं अपने समय से निकाल करके इतने दूर से पैदल आ करके तो दवाई मिलती है तो डॉक्टर कहते हैं कि यार बीमारी की जड़ का पता ही नहीं, क्योंकि जब तक बीमारी जड़ का पता ही नहीं लगेगा कि कारण क्या है तो दवाई वो भी क्या कर पाएंगे, डॉक्टर बेचारा भी क्या कर पाएगा। कितने डॉक्टर होंगे यहाँ पे? मेरे ख्याल से इस टाइम दास नहीं है, दो भाई, दो डॉक्टरों को देखा, दो डॉक्टर को दो डॉक्टरों को देखा। और कोई अगर मतलब सीरियस कंडीशन पे हो तो उसके लिए कुछ आईसीयू वगैरह की व्यवस्था है? मेरे ख्याल से ये मुझे अभी कुछ देखने को नहीं मिला, काफ़ी समय से यहाँ दिख रहा हूँ तो ऐसी कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई कि कोई हल्का फुल्का ऑक्सीजन की सेवा वो दे, बाकी कोई उपलब्ध नहीं मिल पाई। चलिए अभी कुछ और लोगों से यहाँ पे रूबरू होते हैं बाजार में। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं धुमाकोट में, तो किस टाइप की स्वास्थ्य सुविधाएं धुमाकोट में, थोड़ा इस बारे में जानकारी दीजिए। जी जानकारी तो आप से पूछिए थोड़ा, क्योंकि जरा दूर के हम जरा इधर तो मारते। अच्छा, इलाज वगैरह कराने के लिए कहाँ जाते हो? इलाज ज्यादा हो गया तो बाहर रिपेयर कर लेते हैं, यहाँ कुछ उसी चीज के बारे में हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि मतलब क्या दिक्कतें हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं हॉस्पिटल में, किस टाइप की सुविधाएं हैं? सुविधाएं तो बाकी जितनी है सीरियस होने पर तो बाहर ही जाना पड़ता है। सरकार से कभी आपने मुद्दा उठाया इस चीज का? ना, ना तो सरकार की कमी हुई है या आपकी कमी हुई है? हम लोगों की कमी है, तो आप लोगों की कमी है ना, मुद्दा उठाना चाहिए इस चीज के खिलाफ सरकार के लिए। जब तक आप लोग कुछ कहोगे नहीं सरकार भी क्या करेगी? जागरूक नहीं है हम लोग, और जब परेशानी हो जाती है तो चले चलिए। और कौन है भाई? सुनील का ले लें। स्वास्थ्य सुविधाएं दो, ठीक है। क्या नाम है? समीर। सुनील कर दिया। हमारे साथ है सुनील भाई जो यहाँ पे चौमिन वगैरह फास्ट फूड का काम करते हैं। आइए इनसे भी जानते हैं क्या स्वास्थ्य सुविधाएं धुमाकोट में, थोड़ा इस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। थोड़ा बताइए यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह और हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की स्थिति तो बेकार है यहाँ पे एकदम। अच्छा। डॉक्टर है नहीं, कोई कर्मचारी है नहीं, अस्पताल एकदम बंजर पड़ा है। अच्छा अच्छा, बाकी आप देख ही रहे हो। तो कभी अगर बीमार वगैरह पड़ते हो तो कहाँ जाते हो इलाज करवाने के लिए? रामनगर काशीपुर। रामनगर काशीपुर। तो कभी आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सरकार से कोई मुद्दा उठाया या इस चीज़ के बारे में कभी सरकार के पास गए? मुद्दा तो हमारे भी यहाँ के प्रतिनिधि उठाएंगे, हम क्या उठा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रोजगार। तो आप लोगों ने प्रतिनिधियों से कभी इस चीज़ के बारे में बताया? बताते रहते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रोग्राम तो खैर होते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की भी एक प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आप लोग भी मिलके सब इस चीज़ के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक आप लोग खुद जागरूक नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कोई आपकी मदद करने के लिए आएगा। सरकार का काम चल रहा है जैसा भी है, उसकी तरफ से जब तक आप परेशानी उठाएंगे नहीं उन्हें भी कैसा पता लगेगा कि यहाँ पे क्या दिक्कतें आने, तो उसके लिए मुझे लगता है आप लोगों को मुद्दा उठाना चाहिए। सही बात। हमारे साथ है गवर सिंह रावत जी, आइए इनसे भी जानते हैं हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में धुमाकोट में नैनीडांडा ब्लॉक में क्या यहाँ पे सुविधाएं चल रही हैं, किस टाइप से डॉक्टर्स वगैरह हैं।
सुविधाएं तो यहाँ ना के बराबर मेरे लिए। हाँ थोड़ा तेजी से बोला, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। तो सुविधाएं ना होना, कभी आप लोगों ने मुद्दा उठाया सरकार से इस चीज़ के बारे में? मुद्दा तो उठाने में उठाते, लेकिन हमारी कौन सुनेगा, हमारे सुनने वाला कोई नहीं। शायद मेरा मानना है कि अगर सब मिलके आवाज़ उठाओगे तो ज़रूर हर कोई सुनता है, अकेले की कोई नहीं सुनेगा। अगर सब मिलके आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में सुनवाई होती है। तो कभी सब लोगों ने मिलके इस चीज़ के बारे में सोचा? अभी अभी तक तो किसी ने सोचा नहीं, लेकिन आगे कुछ आदमी यदि सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो वो काम हो सकता है। देखिए हम लोग आए इसलिए हैं कि इस चीज़ का मुद्दा उठाएं, यहाँ पे क्या स्वास्थ्य सुविधाएं, उसी लिए आप लोगों से इस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं यहाँ पे। और अभी काफ़ी लोगों से हमने जानकारी ले भी ली है, तो जिस टाइप से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएँ तो कुछ नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर्स वगैरह भी शायद एक दो डॉक्टर हैं, अभी हमने पता किया। हॉस्पिटल में भी ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो भी, अगर मान लो कोई भी लेडीज वगैरह प्रेग्नेंट वगैरह भी होती है तो शायद उसको भी बाहर ही जाना पड़ता है, या कोई छोटी सी बीमारी भी हो बुखार वगैरह तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हमारा ये एक मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कोई प्राइवेट डिस्पेंसरी खुल जाए यहाँ बहुत अच्छा रहता है, उसमें लोगों को परेशानी, कोई जो इमरजेंसी टाइम पर कोई सीरियस केस है तो हो सकता है वो बच जाए। जब तक हम रामनगर का सुविधा तब तक मरीज खत्म हो जाए। तो प्राइवेट प्राइवेट डॉक्टर वगैरह हैं होते हैं? मैंने कोई यदि हमारी मांग है तो हम करना चाहते हैं कुछ, आ सकता है कोई MBBS डॉक्टर, ब्लड टेस्ट या कोई हर एक चीज़ की हम लोग कुछ। चलिए आगे और लोगों की भी राय लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। आओ जी, तो जाएगा हमारे साथ है खुटीड़ा से क्षेत्र पंचायत श्री अरविंद भारद्वाज जी। आइए उनसे जानते हैं यहाँ पे धुमाकोट में किस टाइप की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। अरविंद भारद्वाज जी, हाँ थोड़ा बताइए। यहाँ तो फिलहाल मतलब सुविधाएं ठीक ही चल रही है। अच्छा, और कभी बीमार वगैरह होते हो तो कहाँ जाते हो, इसी हॉस्पिटल में आते हो बाहर जाते? नहीं, बाहर ही जाना पड़ता है। तो फिर ठीक कैसे चल रही है स्वास्थ्य सुविधा? फिर भी स्वास्थ्य आपका ठीक चल रहा है। मैं हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहा हूँ, हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटल की स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल तो ऐसे ही है, मतलब यहाँ ना तो डॉक्टर हैं और ना मतलब सही से इलाज होता है, कुछ सुविधाएं हैं। इसी चीज के बारे में मुझे बताया जा रहा, धन्यवाद आपका। नमस्कार, यहाँ पे हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दीजिए, किस टाइप की सुविधाएं हैं यहाँ पे डॉक्टर्स का, और हॉस्पिटल में क्या इलाज वगैरह होता है सही ढंग से, नहीं होता कैसा, क्या क्या है? डॉक्टर है, डॉक्टर है, कहाँ है? नहीं है ना, कभी बीमार वगैरह होते हो, कभी लेडीज वगैरह प्रेगनेंट हो, कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? तो रामनगर जाते हैं। रामनगर ही जाते हैं सर, यहाँ कोई सुविधा नहीं है किसी टाइप की? नहीं सर। और लोग भी बैठे हैं, हमारे दादी बैठे हैं। दादी कैसे हैं यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं? अरे भाई स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल जीरो है। जीरो है? अच्छा अच्छा। बॉडी हमारी कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, धुमाकोट में हॉस्पिटल में कभी इलाज कराया यहाँ पे, कुछ दवाई वगैरह ली? कुछ नहीं ली। बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चुका पट पे। इनसे भी पूछते हैं यहाँ पे क्या स्वास्थ्य सुविधाएं। सबसे पहले तो सर अपना पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप रावत, रामनगर गाँव पोस्ट ऑफिस बॉय ब्लॉकखंड नैनी डांडा। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं देख रहे हम, काफी लोग कह रहे हैं कि कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में? निश्चित रूप से जो लोग भी ये बातें बोल रहे हैं बिल्कुल उसमें सत्यता है। कई विगत कई वर्षों से यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सेवाएं है बहुत ही दयनीय है। बीच में तो यहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि एम्बुलेंस भी खराब पड़ी थी। जब मैंने CM साहब को एक ज्ञापन दिया था उसके बाद यहाँ पे एक एम्बुलेंस प्रोवाइड हुई, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा तभी मिल पा रही है लोगों को। और डॉक्टरों की हालत तो अभी मेरे को बीच में कोई आदमी बता रहा था यहाँ का लोकल कि यहाँ पे डॉक्टरों की खाना पूर्ति तो है, केवल साइन करके अच्छा हाजिरी देते, बाकी यहाँ पे उपलब्ध कोई नहीं रहता। तो आप लोगों ने कभी इस चीज के बारे में सरकार से मुद्दा उठाया कोई? बहुत बार यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया है। अच्छा, लेकिन उस प्रदर्शन का कोई हमें
रिजल्ट मिला नहीं है। अच्छा, रिजल्ट नहीं मिल पाया। कई बार क्षेत्रीय विधायक से भी ये बात ही कही गई है। स्वास्थ्य सेवा के अलावा भी कई मुद्दे इस क्षेत्र के जो कि हम अपने आप को पिछड़ापन महसूस करते हैं। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी मैं मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपनी आंखें खोले और धुमाकोट नैनी डांडा जो हमारा विकास खंड है उसकी तरफ भी अपना थोड़ा सा ध्यान एकत्रित करें। चलिए, कोई तो हमें यहाँ पे मिला जिसने अपनी बात ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई, अपने प्रतिनिधियों तक बात पहुँचाई, जिन्होंने यहाँ पे कह रहे हैं धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया है। आइए कुछ और हमारे एक बुजुर्ग ताऊ जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं यहाँ पे बारे में। बड़ा नमस्ते। नमस्ते। और ठीक ठाक संत स्वास्थ्य पानी चलना है? बीमार भी होंगे कभी? नहीं होंगे जी। बीमार कभी ना होंगे तो कब जान दो? अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर चीज हॉस्पिटल है नीचे। अच्छा, कब कोई बीमार हो गया तो कब जान दो तब? काशीपुर है, रामनगर। चलो बढ़िया बढ़िया। अब हम अपने ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख श्री ललित पटवाल जी के साथ हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। काफी लोगों ने तो यहाँ पे जानकारी दे ही चुकी है कि किस टाइप से स्वास्थ्य सुविधा है, क्या डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था है। थोड़ा प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, काफी बड़े प्रतिनिधि हैं, दूसरे नागरिक आते हैं ब्लॉक के, तो इनसे भी जानते हैं इस चीज के बारे में। पटवाल जी, लोगों ने तो काफी राय दे दी है, आपका क्या कहना है स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में? स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे दरअसल मैं एक तो डॉक्टर्स रहना नहीं चाह रहे हैं, और अभी मेरी एक हफ्ते पहले सीएमओ साहब से बात हुई तो यहाँ पे किसी महिला डॉक्टर को भिजवा रहे हैं। काफ़ी समय से यहाँ पे पद रिक्त था और जो डॉक्टर थे वहाँ यहाँ पे संविदा में थे वो रहने को तैयार नहीं थे, तो यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति अभी हमने डॉक्टर को कर। अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोग मतलब किसी ने मुझे पॉजिटिव वो नहीं दी, लेकिन दूसरा मैंने भी देखा कि लोगों के अंदर मैंने एक जागरूकता की भी कमी देखी कि लोग इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे हैं, लोग चाह ही नहीं रहे कि ऐसा मुझे लगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं आए तो हम इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सरकार से कोई विरोध नहीं है, सरकार दूसरी कोई भी सरकार आए, मेन है स्वास्थ्य सुविधाएं आपके क्षेत्र में क्या है, मुद्दा उस चीज़ के खिलाफ उठाना, ना कि सरकार के खिलाफ उठाना। तो लोग बाग उस चीज़ के खिलाफ भी जागरूक नहीं है, तो आपने कभी इस चीज़ के खिलाफ कोई मुद्दा उठाया स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, मतलब सरकार के खिलाफ हो या किसी भी चीज़ के खिलाफ हो, आपने कभी इस चीज़ के बारे में मुद्दा उठाया? मैंने कई बार इस मुद्दे पर बात भी की जो संबंधित अधिकारी भी हैं, और नैनी डांडा जो हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी दरअसल में फर्स्ट एड करते हैं और उसके बाद वो भिजवा देते, तो दरअसल में एक अनदेखी तो यहाँ पे है ही, चाहे हम उसको सरकार के प्रति बोले या फिर इसको हम जनप्रतिनिधि जो है इसको अनदेखी कर रहे हैं, और नहीं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा मिल सकती स्वास्थ्य से। और लोगों का एक नंबर एक तो यहाँ पे ध्यान भी नहीं है, पलायन पर ज़्यादा ध्यान है। चलिए, धन्यवाद सर आपका हम लोगों से बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाएं तो नहीं है वाकई में इस नैनीडांडा ब्लॉक में, हम भी इस चीज़ को मानते हैं और हम सरकार से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि थोड़ा इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। हमारा मकसद सरकार के खिलाफ जाना नहीं है, सरकार से अनुरोध करना है कि थोड़ा इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी लोग बीमार भी होता है तो बाहर जाता है उस चीज़ के लिए, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य सुविधाएं तो प्राथमिक होनी चाहिए, जो हर किसी की नीड है, कभी भी कोई बीमार पड़ सकता है, कभी भी कुछ भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके लिए तो स्वास्थ्य सुविधाएं होना बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जयत्रानंद, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।